अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल। और आप लोगों को मालूम होगा सेल वॉल जो होते हैं ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं। Which is the outermost covering, in plants, fungi या fungus and prokaryotic cells. एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होते हैं? एब्सेंट्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में भी एक सेल ऐसा है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होते हैं, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा माइकोप्लाज्मा, विच इज द नेचर ऑफ द सेल ऑफ माइकोप्लाज्मा इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर, और इसके अंदर सेल वॉल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। अब इसके बाद देखो कंपोजिशंस ऑफ सेल वॉल। क्या सभी ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोकैरियोटिक सेल, सभी में सेल वॉल जो होते हैं वो उनका कंपोजिशन सेम होता है या डिफरेंस होता है? नंबर वन, सबसे पहले हम प्लांट्स के सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लांट्स का जो सेल वॉल होते हैं वो बना होता है सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का, इसके अलावा पेक्टिन एंड सम अमाउंट्स में यहां पे क्या होते हैं, प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आप लोगों को यह भी मालूम होगा जो प्लांट किंगडम होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, जैसे कि अल्गी होता है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स। जो अल्गी होता है वो थैलोफाइटा होते हैं, उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। उनका जो सेल वॉल होते हैं सेलुलोज के अलावा दूसरे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा वहां पे मिनरल आयन्स भी प्रेजेंट होता है जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरा, जो फंजाई का जो सेल वॉल जो होते हैं, वो बना होते हैं काइटिन का। काइटिन ये एक टाइप होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का। ये कंजुगेटेड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि कुछ इंसेक्ट में जो एक्सोस्केलेटन होता है वो भी किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ठीक उसी तरह से जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर भी सेल वॉल होते हैं, और इन प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल होते हैं वो बना होता है पेप्टिडो ग्लाइकेन का, या हम इसी को क्या कहते हैं, म्यूरिन लेयर भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया कंपोजिशंस ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब इसके बाद देखो सेल वॉल प्लांट्स में अगर हम डिस्कस करेंगे, सेल वॉल एक होता है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल वॉल। अब एक सेल और दूसरे सेल के बीच में क्या होता है, इस तरह से एक लेयर होते हैं जो किसका बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। देखो इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, द लेयर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू सेल्स, टू एडजेसेंट सेल, इसको कहते हैं मिडल लेमेला, और ये बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का, इसको कहते हैं मिडल लेमेला। ठीक है, और यहां पे सेल ए है, यहां पे सेल बी है। तो ये सेल ए का क्या होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल होते हैं,
ठीक उसी तरह से यहाँ पे सेल बी का क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं, और ये किस तरह के सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल, ये होता है प्राइमरी सेल वॉल, और ये भी क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है, लेकिन ये सेल बी का प्राइमरी सेल वॉल है और ये सेल ए का प्राइमरी सेल वॉल। अब देखो मैं यहां पे लिखता हूं, एक होता है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, ये जो प्राइमरी सेल वॉल जो होते हैं प्लांट्स में, ये मेरिस्टमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टमैटिक सेल्स में। मेरिस्टमैटिक सेल्स हम उन सेल को कहते हैं जो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इनके अंदर जो प्राइमरी सेल वॉल होते हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी टू ग्रोथ, ये ग्रोथ कर सकता है। इनिशियल स्टेज में ये क्या होते हैं, ग्रोथ शो कर सकते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं, इसके बाद ये ग्रोथ को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं किसमें, सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं हमारे जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होते हैं उनमें। जो हमारे परमानेंट टिश्यूज होते हैं जैसे कि जाइलम, फाइलम वगैरह, उन सब में प्राइमरी सेल वॉल भी होते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल भी होते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक प्रेजेंट होते हैं, या इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं। आउटर साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, और इनर साइड में क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल, इस तरह से। अब देखो ये क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल है सेल बी का, और इसी तरह से ये सेल ए का क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल है सेल ए का। तो ये सेल वॉल जो किस कहां से बनते हैं, सिक्रीशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से बनते हैं। अब जो मेरिस्टमैटिक सेल्स होते हैं उनमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होते हैं, और जो परमानेंट टिश्यूज या परमानेंट सेल्स होते हैं उनमें प्राइमरी सेल वॉल भी होते हैं और सेकेंडरी सेल वॉल भी होते हैं, ठीक है। और देखो इन दो सेल को आपस में जोड़ के रखने में काम करते हैं ये मिडल लेमेला, जो किसका बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट का, किसका बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है मिडल लेमेला, इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच हेल्प्स द अटैचमेंट्स बिटवीन द टू नेबरिंग सेल्स, टू एडजेसेंट सेल या नेबरिंग सेल्स, ठीक है। अब इसके बाद देखो व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सबसे पहला जो फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट यहां पे है, इट प्रोवाइड्स या इट प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ये सेल को डैमेज से बचाता है, इंजरी से बचाते हैं, साथ ही साथ इंफेक्शन से भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा इट आल्सो हेल्प इन इंटरेक्शंस बिटवीन द सेल्स, एक सेल दूसरे सेल के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं इसमें भी ये मदद करते हैं। इसके अलावा इट सेपरेट्स सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बाहर का जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां से ये सेल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। जो डिसरेबल नॉन डिसरेबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या अनवांटेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे सेल को ये क्या करते हैं, अलग करते हैं। सेल वॉल, मिडल लेमेला, उनको क्रॉस करते हुए एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होते हैं। सपोज हम मान लेते हैं ये एक प्लांट सेल है और ये दूसरा क्या है, प्लांट सेल है।
इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे बीच में मिडल लेमेला होते हैं और यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल है, इसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी, ठीक है। ये बीच का क्या है, मिडल लेमेला, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप लोगों को पता होगा, ये प्राइमरी सेल वॉल होते हैं, ये सेकेंडरी सेल वॉल होते हैं। अब देखो इन दो सेल के बीच में क्या होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं इस तरह से, जो दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो 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 परमानेंट टिश्यूज होते हैं या परमानेंट जो सेल्स होते हैं, उनके अंदर जो सेल वॉल होते हैं वो रिजिड होते हैं, वो किसी भी मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट होने नहीं देते हैं। और इस चैनल 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 को कहते हैं प्लास्मोडेस्माटा, क्या कहते हैं, प्लास्मोडेस्माटा। प्लास्मोडेस्माटा इज अ टाइप ऑफ गैप जंक्शन, या ये क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ गैप जंक्शन, गैप जंक्शन। अब ये गैप जंक्शन क्या है, हायर क्लास में पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ह्यूमंस में प्लास्मोडेस्माटा के जगह पे क्या होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं, ठीक है, गैप जंक्शंस होते हैं। जो जैसे कि हमारे हार्ट में, जो हार्ट का जो एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होते हैं और उसमें कैल्शियम आयन्स एक सेल से दूसरे सेल में इस गैप जंक्शन के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये क्या है, एक गैप जंक्शंस है जो क्या करते हैं, दो सेल के, टू सेल्स के साइटोप्लाज्म को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। किसके लिए कनेक्ट करते हैं, फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अगर यहां से कुछ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होना है यहां पे तो इसके थ्रू होगा, और यहां से अगर कुछ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होना है तो इसके थ्रू होगा। दैट इज ऑल अबाउट द सेल वॉल। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।